हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग कोमल ब्लॉग। से होप करते हैं हम लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड बहुत अच्छे होंगे। मैं ही बहुत अच्छी हूँ और काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ऐसा हम लोग कहीं बाहर जा नहीं रहे थे और कुछ ऐसा हो भी नहीं रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊँ, और हमारा काम भी बहुत ज़्यादा हो रखा था तो इस वजह से हमने व्लॉग नहीं बनाया। तो आज हम लोग सुबह जल्दी उठ गए, सुबह पतिदेव 8 बजे उठ गए और मैं सुबह 9 बजे उठी और हम लोग रात को 3 बजे सोए थे। बट काम इतना ज़्यादा है, उठना पड़ेगा। और कल पतिदेव के साथ कुछ हो गया था, पहले आपको मैं बताती हूँ क्या हुआ था। कल पतिदेव के साथ एक मिस हैपनिंग हो गई थी, वो बताती हूँ आपको क्या हो गई थी। पतिदेव ओ सॉरी, तो कल पतिदेव के हाथ पे चोट लग गई और बहुत ज़्यादा ब्लड निकला इनका। कैसे हुआ ये? मैं बाहर दरवाजे पे थकोने लग गया और इतना भयंकर कट गया था। डॉक्टर तो बोल रहा है स्टिचेस लगवाओ, मैंने कहा भाई ऐसी पट्टी बांधो, ऐसी टेम्परेरी काम करवा के आ गया। तो गाइज़ इनकी कल बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, इतना ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, मैं तो उनको देख के रोने ही लग गई थी। और पूरे उधर उस वाले रूम से पूरे किचन तक ब्लड ही ब्लड। हाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और भैया भी नहीं थे घर पे, हम दोनों ही थे। फिर हम लोग, मैं इनको डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर इनकी ड्रेसिंग कर रहा था और मेरी वहाँ पर हालत ख़राब हो गई, मैं तो रो ही रही थी। और फाइनली पतिदेव की थोड़ा ब्लड रुका है और कल शाम तक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, शाम तक भी नहीं रुक रही थी, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। और पेन भी बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी मेरी बॉडी और पूरा हाथ दर्द कर रहा था। कल से पतिदेव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी भी हमें ड्रेसिंग के लिए जाना है इनकी। तो या तो फटाफट पहले मैं नहा लेती हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ, फिर पतिदेव को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, इनकी ड्रेसिंग करवाएंगे और देखते हैं कि इनकी चोट अब तक कितनी ठीक हो गई है। तो चलो मैं फटाफट नहा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और तब पतिदेव को हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो गाइज़ मैं नहा के आ चुकी हूँ, तो करते हैं अपना स्किन केयर। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी गार्नियर का विटामिन सी का सीरम। खुद ही नहीं रहे, मेरे पिंपल पे हो गया है यहाँ पे, बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा है इसमें। तो सीरम के बाद मैं लगाने वाली हूँ एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप घर पे भी रहो, सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है, ज़रूर 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 लगानी है, खूब सारी। गाइज मिलते हो आपको पूजा करने के बाद और फिर बनाएंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा है। ब्रेकफास्ट कैसे करेंगे पूजा के पहले, पर हाँ उसके बाद बनाएंगे ब्रेकफास्ट, तब मैं मिलती हूँ आपसे। सो गाइज हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है और सचिन अभी रेडी हो रहे हैं। सचिन को लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, उनकी ड्रेसिंग करा के आते हैं और उसके बाद मुझे जाना है अपनी फ्रेंड को लेने के लिए। वो फाइनली इतने टाइम बाद मेरे घर आ रही है, तो पहले उसको और उसके बेबी को लेके आएंगे। सचिन की हालत टाइट है, उनको लगता है बहुत दर्द होने वाला है। तो आज पतिदेव ने मुझे सुबह सुबह डांट दिया, मैं इतने प्यार से बोल रही थी कि ड्रेसिंग कराने चलो, करो चलो चलो चलो, मेरे को डांट पड़ गई सुबह सुबह। क्यों डांटा तूने मेरे को? क्योंकि तुम बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, मैं काम कर रहा था इस वजह से। बहुत खड़ूस होते जा रहे हैं, जितने जितना टाइम हो रहा है ना हमारी शादी को, उतने ज़्यादा ये खड़ूस होते जा रहे हैं। तो गाइस समझ जाओ, शादी के बाद लड़के लोग चेंज हो जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है शादी करने का, कोई फ़ायदा नहीं है। परसों मैंने एक ब्लॉग शूट करा था, उसमें जिस दिन मेरा फास्ट था मंडे का, फर्स्ट सोमवार वाला फास्ट था सावन का, तो वो भी थोड़ी सी क्लिप शूट करी थी। मैंने सोचा वो भी इस ब्लॉग में डाल देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ शूट ही नहीं करा, उसके बाद वो ब्लॉग भी आधे में ही छूट गया, तो मैंने सोचा उसकी क्लिप्स इसमें डाल देती हूँ। तो आप तब तक वो देखिएगा और चलो हम चलते हैं डॉक्टर के पास और देखते हैं क्या क्या होने वाला है वहाँ पर। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी आज, क्योंकि मेरे को आज जाना है मंदिर, आज है मंडे, तो आज से हमारा सोमवार स्टार्ट है, आज मेरा फास्ट है। तो यार इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ, रात को थोड़ा लेट सोए थे पर सुबह जल्दी उठ गई हूँ और अब नहा धो के रेडी होके चलेंगे मंदिर और आपको भी लेके जाएंगे। तो आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी, आपको दिखाती हूँ कौन सी। तो आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी, ये डबल शेड साड़ी है। सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरी पूजा भी हो चुकी है, पतिदेव भी रेडी हो गए। न्यू न्यू कृता, पतिदेव कल ही शॉपिंग करके आए और आज ही रेडी हो गए हैं। नए नए कपड़े अगले दिन पहनने की बात ही कुछ और है।
तो आज बहुत टाइम बाद मौसम सही हुआ है। आज मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं सुबह बारिश ना हो जाए, बट भगवान जी ने बोला जाओ आज पूजा करके आओ अच्छे से, तो इसलिए भगवान जी ने आज धूप करी है। तो चलो चलते हैं फटाफट। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए इतने सुंदर से रास्ते पे। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू है ना जानो। हाँ बहुत प्यारा सुंदर एकदम। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए मंदिर, कितनी भीड़ हो रही है। फाइनली हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए और बहुत मज़ा आया। तो जैसे हम घर से निकले और मौसम रुक गया, इतना भयानक बारिश आने वाली है, सब पाक गए। बस मेरी एक बार ड्रेसिंग हो जाए तो ठीक है, वरना तो फिर हम रेनकोट भी लाना भूल गए और बड़ी दिक्कत है। भाई साहब देख लो बारिश की बूंद कैसे पड़ी। मेरे को तो देखा नहीं गया तो मैं इसलिए बाहर आ गई। तो ये रही पति देव की इतनी सारी दवाइयाँ। तो गाइस सचिन की ड्रेसिंग करा के आ गए थे और रास्ते में इतनी तेज बारिश पड़ी कि हम लोग भीग गए। फिर मैंने चेंज कर लिया और बारिश की वजह से मेरी फ्रेंड भी नहीं आ रही है, तो प्लान कैंसिल हो गया उसका, क्योंकि उसका बेबी बहुत छोटा है तो बारिश में वो कैसे लेके आएगी। और पीछे पति देव कर रही है काम और मैं भी करती हूँ अब काम और बनाती हूँ लंच और फिर मिलती हूँ आपको, तब तक बाय। सो गाइज मैंने अपने लिए सूट ऑर्डर किया था, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये फुल स्लीव्स का भी है सबसे अच्छी बात। बट इसमें एक प्रॉब्लम रही कि इसके साथ बॉटम्स नहीं आए, तो ये मैंने अपनी पुरानी लेगिंग पहनी है और इसका दुपट्टा बहुत ही सुंदर है, आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये इसका दुपट्टा है और इसके दुपट्टे में ना ऐसी फ्रिल्स है, ऐसी लेस लगी हुई है। तो वैसे तो मुझे ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, बस बट जो इसकी फिटिंग है ना ये मेरे पे बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही। मैं आपको एक बार खड़े होकर दिखाती हूँ, ये देखो कितनी लूज़ है और ये मेरे पे ना थोड़ा शॉर्ट भी है। मतलब मुझे फुल लेंथ के अच्छे लगते हैं बट ये मुझ पर थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं सोच रही हूँ इसको रिटर्न करा दूँ क्योंकि इसकी फ़िटिंग मुझे कुछ खास लग नहीं रही है, बट आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये कैसा लग रहा है ताकि मैं इसको रिटर्न कराऊँ या ना कराऊँ। गाइस आज इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना, आपको क्या बताऊँ। हमारा एसी ना पता नहीं क्या हो गया, एसी हमारा ख़राब हो गया, इतनी गर्मी में हालत ख़राब हो रही है। ऊपर से ये कपड़ा है ना जो इतना गर्म है ना, तो मैं फटाफट इसको चेंज करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अभी हमने इलेक्ट्रिशियन भैया को बुलाया है और जो मेरा इतने दिनों से पेंडिंग काम था, जो ये मिरर था जो मुझे लगवाना था वॉल पर, होपफुली आज वो लग जाए। और भैया ने बोला है मैं 15-20 मिनट में आ रहा हूँ, तो चलो देखते हैं कि भैया कब तक आते हैं और क्या आज मेरा मिरर लग पाता है कि नहीं। और मेरा ये पिंपल देखो गाइस, आप स्वेटिंग देख रहे हो कितनी ज़्यादा हो रही है। इतनी गर्मी हो रही है ना, इतने दिनों से इतनी बारिश हो रही थी तब हम परेशान थे, अब धूप आई है तो हम परेशान हैं। हम इंसान किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। और यह फटाफट चेंज करते हो फिर आप लोगों से मिलते हो। तो गाइस फाइनली हमारा एसी चल चुका है, ये एक दो दिन से इतनी गर्मी हो रही थी, फाइनली हम इस एसी के मजे उठा सकेंगे। तो गाइस मैं जा रही हूँ सामान लेने के लिए जो भैया ने मुझे लिख के मिल गया है, तो वो सामान लेके आती हूँ क्योंकि सचिन तो जा नहीं पा रहे हैं, उनके हाथ पे चोट लगी है तो मुझे लेके जाना पड़ रहा है, मतलब तो है नहीं। तो गाइस मैं ये सारा सामान लेके आ चुकी हूँ और भैया ने देखो यहाँ अपना अचार का डब्बा खोल दिया। जब भैया ने ये डब्बा यहाँ रखा ना मेरे को लगा ये अचार का डब्बा, जब इन्होंने खोला तो भैया कह रहे हैं मिक्स अचार क्योंकि उसमें बहुत सारे नट्स हैं। और गाइस अब मैं बनाने वाली हूँ चाय क्योंकि पति देव का ऑर्डर है चाय पिलाओ, तो चाय बनाते हैं फटाफट और भैया को भी बनाते हैं चाय और होपफुली आज सारा काम हो जाए क्योंकि बहुत दिनों से पेंडिंग था। चलो चाय बनाएं। गाइस हमने चाय वगैरह सब पी लिया और हमने ना किचन में लाइट लगवाई है क्योंकि यहाँ की लाइट ना बहुत कम थी। और अभी मैं ये बैंगन भून रही हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। और अभी भी काम चल रहा है, अभी भी जो लाइट्स वगैरह थी वो फिटिंग हो रही है अभी भी ढंग से, या आज बैंगन का भरता बनाएंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, अच्छा हो हमारा एसी काम करने लग गया वरना आज भी हमारी बैंड बच जाती कल की तरह। तो चलो बैंगन का भरता बनाते हैं।
सो गाइस ये हमारे बैंगन भुन रहे हैं और ये जितने अच्छे से भुनेंगे ना उतने टेस्टी बनेंगे ये। और एक ही वाला बचा है, इसको भी भुनेंगे, इसके बाद तेरा भी नंबर आएगा अभी, रुक जाओ, तेरा भी नंबर आएगा अभी। तो गाइस अभी ये मसाला रेडी है और इस पर मैं डालूँगी ये, उसको मेरे को मैश करना पड़ेगा पहले, फिर मैं उसको उस पर डालूँगी। सो गाइस ये रहा भरता, वाह वो तो यम्मी लग रहा है ना देखने में खुद ही बोल देती हूँ मैं। और हमने एक लाइट यहाँ पे लगाई है, एक लाइट यहाँ लगवाई है और एक लाइट यहाँ लगवाई है क्योंकि हमारे रूम पे बहुत अंधेरा होता था, अब बहुत उजाला हो रहा है। तो गाइस फाइनली मेरा ये शीशा लग गया है इतने टाइम बाद, ये मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब मैं अपने आप को पूरा देख सकती हूँ शीशे में। और या तो गाइस देखो ये हमारे बचपन की फ़ोटोज है दोनों की ये हमारी प्री वेडिंग की फ़ोटो और ये मेरी फेवरेट फ़ोटो है। हम देखो कितने छोटे छोटे लग रहे हैं दोनों के दोनों, अब तो मैं मोटी हो गई हूँ, देखो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइज मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जो लोग शादी के बाद खुश रहते हैं ना वो लोग मोटे हो जाते हैं, जैसे कि मैं हो गई हूँ। बट कोई बात नहीं, मैं अपने आप को खुश रखना कम कर देती हूँ, थोड़ा पतली हो जाती हूँ क्योंकि ये मोटापा मुझसे झेला नहीं जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। और पति देव यहाँ लैपटॉप रख के चले गए हैं कि बहुत मतलबस्ती हो गई, अब काम करो। अब करते हैं काम और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय गाइज़।